हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन सेंटर में। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसका ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है। इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका ये मेन साइट है। जैसे इसके मेन साइट पे आएंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही इसके मेन साइट पे आएंगे, आपको यहाँ से जो कि इसका अप्लीकेशन का ऑनलाइन डेट है 24/8/2023 से यह फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, और 14/9/2023 तक इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। ठीक है, अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हो तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, पासवर्ड वहाँ से फिल करेंगे, कैप्चर कोड को फिल करेंगे, इसके बाद सबमिट वाला सेक्शन पर क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए यूजर हैं, तो इस वाला सेक्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमको 6 स्टेप में आपको ऑप्शन दिखाई देगा। पहला बेसिक, दूसरा फोटो एंड सिग्नेचर, तीसरा जो कि डिटेल्स, चौथा आपका प्रीव्यू दिखाई देगा, पांचवा अपलोड करना है आपका जो भी आपका बाएं हाथ का अंगूठा या डिक्लेरेशन है, इसको छठे में आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक वाला सेक्शन में चलते हैं। तो बेसिक वाला सबसे पहले फर्स्ट नेम कंफर्म फर्स्ट नेम करेंगे, मिडिल नेम, मिडिल नेम को कंफर्म करेंगे, लास्ट नेम, लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद होगी मोबाइल नंबर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर को यहाँ से कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी यहाँ से फिल करेंगे। ईमेल आईडी में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, @gmail.com यहाँ से लगा लेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ से पूरा फिल करना पड़ेगा। इसके बाद कैप्चर कोड को यहाँ से फिल करेंगे, सिक्योरिटी कोड को, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं, एक एक करके अच्छे से फिल कर लेते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ से जो कि बेसिक डिटेल आपका फिलअप हो चुका है, सेकेंड स्टेप आ चुका है हमारा फोटो एंड सिग्नेचर का। तो फोटो यहाँ से अपलोड करेंगे, इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करेंगे, दोनों को यहाँ से चेकआउट करेंगे यानी कंफर्म करेंगे कि आप ही का फोटो सिग्नेचर है। इसके बाद नेक्स्ट वाले सेक्शन पर चले जाएंगे, इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप डिटेल का ऑप्शन खुल जाएगा। इसके बाद जैसे ही फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करके आगे बढ़ेंगे, हमारा डिटेल का ऑप्शन खुल जाएगा। डिटेल में आपको दो तरह का डिटेल देना है, सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल और दूसरा जो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज का। ठीक है, तो हम बेसिक डिटेल में सबसे पहले हम देंगे नेम ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपको डिसिप्लिन यहाँ से चूज करना पड़ेगा, चूज कर लीजिएगा, अकाउंटेंट या फाइनेंस के लिए, कंपनी सेक्रेटरी के लिए, जो भी आपको चूज करना है चूज कर सकते हैं, डॉक्टर के लिए या एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट के लिए, जो भी आपको यहाँ से देना है दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट यहाँ से चूज कर लेता हूँ। कैटेगरी देंगे EWS है, ST है, SC है, जो भी आपका कैटेगरी यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से ओके करेंगे। या आपको 40% की विकलांगता है तो यस या नो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे थोड़ा सा, इसके बाद इसको अच्छे को आप जो कि अच्छे से पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद इसको यहाँ से नो कर लेंगे। ठीक है, आपको अधिकतर नो ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद विच यू बिलोंग रिलीजन यहाँ से देंगे, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन या हिंदू है। ठीक है, इसके बाद इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे कि आप जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यस या नो यहाँ से कर सकते हैं। इसका इसको यहाँ से नो कर लेंगे। ठीक है, इसको भी यहाँ से नो कर लेंगे, सबको यहाँ से अच्छे से नो कर लेंगे। तो नेशनलिटी यहाँ से देंगे इंडियन है, अदर जो भी है इंडियन है तो इंडियन चूज करेंगे। इसके बाद आधार कार्ड होल्डर है तो यस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आधार नंबर को आपको आधार नंबर को यहाँ से फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो कि स्टेट या किस स्टेट में आप जो कि एग्जाम देना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश यहाँ चूज कर लेंगे, जो भी आपका शहर नदी को यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कि उसमें आप जो कि उत्तर प्रदेश किस शहर में आप एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ से जो भी आपका स्टेट हो नदी को यहाँ से चूज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल करेंगे, पर्सनल डिटेल में आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना पड़ेगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल करिएगा। ठीक है, मेरा जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल कर लेते हैं। जेंडर चूज करेंगे, मेल है या फीमेल है। ठीक है, इसके बाद क्या आप जो कि जुड़वा भाई या बहन तो नहीं है, तो नहीं है तो नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे, मैरिड है या अनमैरिड है या सिंगल है, जो भी आप यहाँ देना चाहते हैं दे सकते हैं। फादर का नाम यहाँ से फिल करेंगे, मदर का नाम यहाँ से फिल करेंगे। एड्रेस देंगे यहाँ से, जो भी आपका एड्रेस हो यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ फिल कर देंगे। स्टेट चूज करेंगे, किस स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं आप। इसका वजह पिन कोड आपको यहाँ से फिल करना पड़ेगा। अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो इसको चेकआउट कर सकते हो, वरना अलग अलग एड्रेस भी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कि यहाँ से चूज द एड्रेस ऑफ GST इनवॉइस आपका कहाँ जाएगा, परमानेंट एड्रेस या कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस। ठीक है, परमानेंट एड्रेस यहाँ से चूज कर लेते हैं। मेरा अमाउंट 1180 रुपये मेरे पेमेंट दिखा रहा है। इसके बाद जो कि सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ से क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज का ऑप्शन खुल जाएगा। तो आप यहाँ से जो भी डिटेल आप फिल करना पड़ेगा फिल कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ से दिया, एग्रीकल्चर है, आर्ट है, साइंस है, मेरा एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर यहाँ से दे देंगे। डेट ऑफ पासिंग, किस सन में आप जो कि ग्रेजुएशन किए हैं वो यहाँ से दे देंगे, मंथ दे देंगे, ईयर दे देंगे, कितना परसेंट रहा है वो यहाँ से दे देंगे, क्लास दे देंगे, फर्स्ट या सेकेंड जो भी आपका क्लास से पास हुए हैं। ठीक है, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो वो यहाँ से दे देंगे, उसका डिटेल यहाँ से फिल करेंगे, किस सन में पास किया है उसका परसेंटेज दे देंगे, क्लास या ग्रेड यहाँ से दे देंगे।
ठीक है, अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो वो यहाँ से दे देंगे, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का डिटेल यहाँ से देंगे। ठीक है, क्या आपको कंप्यूटर नॉलेज आती है तो यस या नो यहाँ से कर सकते हैं। मैंने इसको यह कंपलसरी है, यस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बाद जो कि लैंग्वेज में आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आपको आता है, जैसे हिंदी इंग्लिश में आपको बोलना पढ़ना लिखना जो भी आपको लैंग्वेज आती है यहाँ से दे सकते हैं। क्या आप जो कि करेंट में कोई जो कि इम्प्लॉय है या जो कि काम कर रहे हैं तो यस या नो यहाँ से कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर लेंगे यहाँ से सीधे सीधे। ठीक है, इसके बाद इस लैंग्वेज को यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से जैसे हिंदी यहाँ पर चूज कर लेते हैं। लिखने के बाद यहाँ से तीनों को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद पूरे डिटेल को फिल करके इसके बाद जो कि सेव एंड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ से प्रीव्यू चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसको प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा ताकि आपके द्वारा भरा गया कोई भी फॉर्म आपको जो कि गलती ना हो। ठीक है, इसके बाद नीचे स्क्रोल करेंगे, नीचे स्क्रोल करने के बाद आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे, फिर से ओके करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप जो कि पाँचवें जो कि पायदान पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, आप जो आप यहाँ पर अपना लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन अपलोड करेंगे, इसके बाद जो कि डिक्लेरेशन यहाँ से अपलोड करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो कि सिक्योरिटी कोड को यहाँ से फिल करेंगे, इसके बाद सेवन एस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड डिक्लेरेशन और जो कि बाएं हाथ का अंगूठा अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चर कोड को फिल करेंगे, जैसे कि मैं फिल कर रहा हूँ, आपका जो कि अमाउंट दिखा देगा। अगर आप ST ST कैटेगरी के हो तो आपको यहाँ से फाइनल सबमिट हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका जो कि अमाउंट नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर आप OBC जनरल हो तो आपका जो कि अमाउंट दिखाएगी, बस सबमिट वाले सेक्शन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप देख पा रहे थोड़ा सा गलती हो गया है, जो सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो हम पेमेंट वाला सेक्शन पर लेके चला जाएगा, आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक दो सेकंड का समय लेता है, ये थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम रहता है। इसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल चुका है, आप देख पा रहे पेमेंट जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, QR कोड UPI जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, चलिए इसको पेमेंट कर लेते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हमने जो कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद जो कि आप फाइनली जो कि यहाँ से अपना जो कि एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद पासवर्ड, इसके बाद कैप्चर कोड फिल कर सबमिट करके फाइनली जो कि रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आशा है वीडियो और सबको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।